1 mg 300 ग्राम बैलेंस। आइए इसको पहले सेट करते हैं। कैलिब्रेट कैसे सेट करते हैं? सबसे पहले आप इसमें अपना 200 ग्राम का बैलेंस रख दीजिए और उसके बाद इसके ये रीडिंग आ रही है। और अब इसमें एडजस्टेबल, नीचे एडजस्टेबल स्क्रू दिए हुए, उससे एडजस्ट करना है इसको। पूरा 200 200 सेट करना है इसको। 0 0 मिलाना होता है, यहाँ पर एक 0 का सिस्टम होता है इसको 0 0 करने के लिए। ये ज़्यादा हो रहा है, इसको फिर उल्टी साइड घुमाना है। थोड़ा जोर कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा इस तरीके से। इससे आपका नियर नियर आ गया। इसको आपको 0 0 इस तरीके से, पहले ये 200 ग्राम पूरा सेट करना होता है इसके। ये पैरों को पूरा आपको बैलेंसिंग करना पड़ता है रखने के लिए। पहले ये बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका वेट ठीक नहीं आएगा। जैसे ही 200 आपका ये सेट हो जाए, इसमें टाइम लगता है सेटिंग में, थोड़ा थोड़ा ही स्क्रू घुमाना होता है को, बिल्कुल स्लो स्लो से। जैसे आपका ये सेट हो जाए वन टाइम, उसके बाद बैलेंस को आपको उठा के इधर उधर नहीं रखना है, ये एक ही जगह सेट स्टेबल कर देना है। अब इसको आपको कैलिब्रेट करना है। पहले आपको 200 ग्राम का वेट निकाल लेना अपना। 200 ग्राम का वेट निकालने के बाद आपको ये कॉल बटन प्रेस करना है। एक तो 3 सेकंड दबाया आपने, उसके बाद आपको ये कह रहे हैं 200 ग्राम का वेट इसके ऊपर रखना पूरा, और उसको कवर कर देना है। अब ये कैलिब्रेट भी हो गया आपका, इस तरीके से आपको कैलिब्रेट भी कर लेना है। अब इसको आपको वेट लेना है, किसी भी चीज़ का आपको वेट निकाल लेना है। इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको इस तरीके से कैलिब्रेट करने के बाद इस पे कोई एयर, बस फैन के नीचे नहीं चलाना, एसी के नीचे नहीं चलाना है बिल्कुल। एसी के फ्लो इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, फ़ैन का फ्लो इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। आपको उस जगह रखना जहाँ एयर का फ्लो 0 हो। और उसके बाद कैलिब्रेट करने के बाद इसको पहले आपको नीचे एडजस्टेबल स्क्रू दिए हुए हैं उसे सेट करना है दोनों को। उनको सेट करने के बाद उसको कैलिब्रेट करना है 200 ग्राम के, 200 ग्राम के वो से आपके वेट से।